हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का एक ब्यूटीफुल सा ट्रिक, बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रिक एंड बहुत ही अमेजिंग ट्रिक। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रैक्शन है 1/3, 1/5, 1/6, 1/5। तो इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में क्या है? दोनों जगह 1, एंड डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 5 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? तो इनको हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे से ऐड कर सकते हैं। और हम कैसे ऐड कर सकते हैं? नीचे हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। एंड ऊपर न्यूमरेटर में हम 3 और 5 को ऐड करेंगे। 3 + 5 = 8, सो आवर आंसर इज़ 8/15। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/6 + 1/5, 6 और 5 का भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो डिनोमिनेटर में हम 6 और 5 को करेंगे मल्टीप्लाई। 6 × 5 = 30, और न्यूमरेटर में करेंगे 6 और 5 को ऐड। 6 + 5 कितने होते हैं? 11। तो हमारा आंसर आ गया 11/30। नेक्स्ट है हमारा 1/2 + 1/3। 2 और 3 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6, वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5, वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप इन फ्रैक्शंस को फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/9 + 1/4। 9 और 4 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 4 = 36। 36 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में 9 + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे। 9 + 4 = 13, सो 13/36 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 + 1/7। 3 और 7 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 = 21, और ऊपर न्यूमरेटर के लिए दोनों को ऐड करेंगे। 7 + 3 = 10, सो 10/21 इज़ आवर आंसर। तो देख पा रहे हैं आप फ्रेंड्स, कितनी इजी वे से हमने इनको ऐड कर लिया। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि न्यूमरेटर दोनों का सेम होना चाहिए 1, एंड डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1/7 + 1/9। 7 और 9 का अगेन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 9 = 63, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। 7 + 9 = 16, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर्स में 1 है और डिनोमिनेटर्स में 1 के अलावा डिनोमिनेटर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हम फटाफट से इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है? डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, एंड देन डिनोमिनेटर्स को ऐड करके ऊपर लिखना है। तो है ना कितना इजी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।